नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले से। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले से संबंधित DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने निकाला है एक नया नोटिफिकेशन यानी कि एक नई अधिसूचना। उस नई अधिसूचना में फिर से कहा गया है कि एक बार दाखिले का मौका फिर से मिल रहा है उन विद्यार्थियों को जो कि 6, 7, 8, 9 और 11 कक्षाओं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं। जी हाँ, यह खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए है जो चाहते थे अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन वह फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब एक बार DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से मिल रहा है मौका। इस वीडियो में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगी। यह नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है, मैं इसका अनुवाद हिंदी में आपको करके बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वह माँ बाप जो कोरोना काल में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे वह इस वीडियो को देखे और अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करे। और साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं हमेशा से आपके लिए लाती रही हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं DOE के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। नोटिफिकेशन आज की तारीख में ही जारी किया गया है, 25 सितंबर 2020। सबसे ऊपर लिखा है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लासेस 6, 2, 9 एंड 11 अंडर नॉन प्लान एडमिशंस। ये माता पिता के लिए निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं उन बच्चों के माता पिता के लिए जो अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8, 9 या फिर 11 नॉन प्लान एडमिशन के तहत। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब है कि वह बच्चे जो इस समय गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनका बच्चा सरकारी उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाना है। और इस बार क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है इसीलिए जो दाखिले प्रक्रिया है वह ऑनलाइन मॉड्यूल के द्वारा हो रही है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। आप जो फॉर्म पिछले कई सालों से ऑफलाइन भरते थे, ऑफलाइन नहीं भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म भरना सब कुछ पहले जैसा ही होगा। पहले जैसा मतलब कि जो अभी ये दूसरी बार इस साल में फॉर्म निकल रहे हैं, जो साल में पहली बार फॉर्म निकले थे जिसमें इससे संबंधित मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी, वैसे ही आपको फॉर्म भरना है, वही बाकी जानकारी है। बाकी अलग क्या है इस नोटिफिकेशन में तारीखों से संबंधित वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। साफ लिखा है कि ऑल द पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आर इन्फॉर्म्ड दैट फॉर एकेडमिक सेशन 2021 process of online registration has been introduced in the view of spread of novel coronavirus. First phase of online registration has already been closed. It has been noted that many parents could not get their ward registered online for admission to above said classes and they are anxious about the future of their wards. To provide relief to such parents, it is decided to start second phase of registration under non-plan admission to classes 6 to 9th and 11th in government schools of the Directorate of Education, GNCT of Delhi. साफ साफ कहा गया है कि वह सभी माता पिता जो अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाना चाहते हैं शैक्षिक सत्र 2020-21 में, उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से माता पिता पहली बार जो रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था उसमें अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एंशियस है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। इसीलिए यह इस बात का निश्चय किया गया, यह बात का फैसला लिया गया कि फिर से एक बार मौका दिया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उन स्टूडेंट्स को जो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 कक्षाओं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं। और दाखिले संबंधित तारीखें क्या हैं मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। 6, 7, 8, 9 और 11 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। मैं फिर से बताना चाहूंगी, 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आप यदि कक्षा 6, 7, 8, 9 या फिर 11 में दाखिला लेना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो सुन रहे हैं या फिर वह माता पिता जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं जो अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर, 1, 2, 3 अक्टूबर यानी 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दाखिले के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। अब दूसरी चीज, इसका रिजल्ट आप कैसे जान सकते हैं? रिजल्ट पता चलेगा आपको 12 अक्टूबर 2020 जो कि है सोमवार। लेकिन कौन सी कक्षाओं का मैं बता देती हूँ आपको, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का।
अगर कक्षा 9वीं कक्षा 11वीं के फॉर्म भरे हैं तो 12 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट पता चल जाएगा, वह स्कूल की वेबसाइट पर पता चल जाएगा और उसकी जानकारी मैं खुद आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका नाम लिस्ट में आ गया अलग बात है, लेकिन आप जरूरी कागजात स्कूल में लाएंगे, चेक करवाएंगे और जरूरी कागजात आपके द्वारा देखेंगे स्कूल और वह पाएगा कि आपने जो कागजात दिए हैं वह सही है, उसके बाद आपको पूरी तरीके से दाखिला मिलेगा। तो वह जो प्रक्रिया है जिसमें आपके कागजात की जांच होती है और स्कूल में दाखिला मिलता है वह 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच होगी। मैं फिर से बताना चाहूंगी, 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट 12 तारीख को 12 अक्टूबर को निकल जाएगा और उसके बिल्कुल अगले दिन 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कागजात की जांच होगी और बच्चों को दाखिला स्कूलों में दिया जाएगा। अब बचा 6वीं 7वीं 8वीं का रिजल्ट, वह 16 अक्टूबर को उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। किस पर? एडुडेल की वेबसाइट पर। एडुडेल क्या है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? www.edudel.nic.in। जिस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे, जिस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है, वह दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट है और उस वेबसाइट को हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट भी कहते हैं, जिसे हम DOE की वेबसाइट भी कहते हैं, जिसे हम www.edudel.nic.in वेबसाइट कहते हैं। अब 16 तारीख को रिजल्ट आ गया और उसी ही दिन से, सेम डे से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा 6वीं 7वीं 8वीं कक्षाओं के लिए। 16 से 26 तारीख तक का मौका मिलेगा उन स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाने का और दाखिले का जिनका नाम अब जो फॉर्म निकल रहे हैं उसकी लिस्ट में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी जो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लाई हूं। मैं फिर से बताना चाहूंगी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले का फिर से मौका मिल रहा है। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले का फिर से मौका मिल रहा है। यदि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षाओं में आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहते हैं तो आप 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 12 अक्टूबर को आ जाएगा। 13, 14, 15 में डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और दाखिला दिया जाएगा। 6वीं 7वीं 8वीं का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी सेम डे से ही, 16 अक्टूबर से ही 26 अक्टूबर के बीच में। साफ साफ शब्दों में कहा गया है। अब आप फॉर्म कहां से भरेंगे? फॉर्म भरने का मैं आपको बता देती हूं, www.edudel.nic.in डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर आप जाएंगे। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो बाएं हाथ पे नीचे की तरफ बाएं हाथ पे आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन लिखा होगा और उसके ऊपर एक बॉक्स के अंदर बना होगा, लाल से बॉक्स के अंदर बना होगा, आपको अलग दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां फॉर्म भरने से संबंधित आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको 6वीं से 8वीं का, 9वीं सब क्लासेस के, 11वीं के जो भी है लिंक मिल जाएंगे। आपको सिर्फ लिंक को क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, आपको परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पेरेंट्स के लिए, जो कि पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि दाखिले के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले उम्र का क्राइटेरिया बता देती हूँ। 6वीं कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2020 पर रखकर उम्र का हिसाब लगाया जाता है, तो उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 7वीं कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2020 पर की तारीख पर रखकर उम्र का आंकलन करिएगा, 11 से कम नहीं, 13 से ज़्यादा नहीं। 8वीं कक्षा के लिए 12 से कम नहीं, 14 से ज़्यादा नहीं। 9वीं कक्षा के लिए 13 से कम नहीं और 15 से ज़्यादा नहीं। 11वीं कक्षा के लिए 15 से कम नहीं और 17 से ज़्यादा नहीं। एक और बात कही गई है कि 6वीं से 9वीं कक्षा में यदि 6 महीने का कम से कम उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप हेड ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। और 11वीं कक्षा में रिलैक्सेशन 1 साल का मैक्सिमम मिनिमम ईयर्स की मतलब 1 साल का रिलैक्सेशन कम से कम उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में भी हेड ऑफ द स्कूल आपको दे सकते हैं और तब दिया जा सकता है जब आपका कोई गैप ईयर नहीं होगा, मतलब 10वीं के बाद आप सीधा 11वीं में दाखिला ले रहे हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए रिलैक्सेशन कम से कम उम्र में 6 महीने की और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में 4 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा। और फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से कागजात की जानकारी, मतलब कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए, वो आपके पर्सनल डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, अपना नाम के अच्छे ढंग से स्पेलिंग, पिता का नाम, माता का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ स्कूल, अटेंडेड, आधार कार्ड, UID कार्ड और डिजायरेबल अगर है तो, नहीं अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैंक नंबर, उसकी डिटेल्स, ये भी डिज़ायरेबल है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और कक्षा 11वीं का फॉर्म 2 भागों में बटा हुआ है, उसकी मैं जानकारी आपको दे चुकी हूँ, मैं वीडियो इन सब के ऊपर बना चुकी हूँ ऑलरेडी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इससे संबंधित जानकारी
नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। और इस वीडियो के आखिरी में मैं अपनी वीडियोस शेयर भी करूंगी फिर से, जिनमें मैं इन कक्षाओं के दाखिले की जानकारी ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्यों, इससे संबंधित और जानकारी है। लेकिन फिर से कहना चाहूंगी, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में यदि आप दाखिला लेना चाहते हैं तो फिर से मिल रहा है मौका, फॉर्म आप फिर से भर सकते हैं। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आपसे पिछला मौका रजिस्ट्रेशन का मिस हो गया है तो अभी भर दीजिए। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और बहुत मुश्किल पड़ रही है और वे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को नहीं भर पा रहे हैं तो वह सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, उनका स्टैंडर्ड पहले से बहुत हाई हो चुका है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स होती हैं बहुत क्वालिफाइड होती हैं और बहुत ही मुश्किल कॉम्पिटिशन के बाद उन्हें यह नौकरी मिलती है। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं कहूँगी प्ले ग्राउंड क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी होती है। सरकारी स्कूल पहले से बहुत बदलाव आया है, आप एक बार घर के पास से किसी स्कूल जाकर देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो आप खुद देख पाएंगे। और जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दाखिला संबंधित सही जानकारी हमेशा से सबकी शिक्षा आपके लिए लाता रहा है। और शिक्षा के से संबंधित नए नए विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी भी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लिए हमेशा लाती रही हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।